एक बार जोरदार भारत माता का जयकारा लगाएंगे। भारत माता की, इनकलाब इनकलाब, वंदे वंदे। आज यहां पे आए हुए इतनी भारी संख्या में दिल्ली के कोने कोने से आए हुए सभी पदाधिकारियों को, सभी वॉलंटियर्स को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। दोस्तों, मुझे लगता है आज ऐतिहासिक दिन है और आने वाला भविष्य इस बात का गवाह होगा कि आज के दिन किस तरह से एक सिस्टमैटिक तरीके से जनता से चंदा लेकर राजनीति करने की शुरुआत इस देश में की गई थी। सब लोग जानते हैं कि आम आदमी पार्टी आम लोगों के चंदे से चलती है। सब लोग जानते हैं कि अभी तक हमने जितने चुनाव लड़े आम लोगों के चंदे से लड़े। हम भ्रष्ट अरबपतियों से चंदा लेके नहीं काम करते, आम लोगों के चंदे से चलती है पार्टी। लेकिन अभी तक इसको इतने व्यवस्थित रूप से नहीं किया गया था, चंदा लेने का काम इतने व्यवस्थित रूप से नहीं किया गया था। आज जिस तरह से पूरे देश भर से देश के बाहर रहने वाले भारतीयों से आम आदमी पार्टी व्यवस्थित रूप से फॉर्म भरवा के हर महीने चंदा लेने की शुरुआत कर रही है, मुझे लगता है ये पूरी दुनिया के लिए एक मॉडल साबित होने वाला है। जैसे हमारा मोहल्ला क्लिनिक मॉडल बना, जैसे हमारी होम डिलीवरी मॉडल बनी, अब आम लोगों के चंदे से राजनीति कैसे की जाती है ये भी एक मॉडल बनने वाला है। अभी तक भारत के इतिहास में कुछ एक ऐसे इंसिडेंट्स हुए जब आंदोलन हुए और आंदोलनों से पार्टियां बनी और पार्टियों ने सरकारें बनाई है, लेकिन इतिहास गवाह है कि कहीं ना कहीं जाके वो पार्टियां विफल हो गई और जो ऑब्जेक्टिव लेके चली थी वो कहीं ना कहीं धूमिल हो गए। आम आदमी पार्टी अन्ना आंदोलन से निकली, एक साल के अंदर दिल्ली में 28 सीटों के साथ सरकार बनी और उसके बाद दोबारा 67 सीटों के साथ दिल्ली में सरकार बनी। आज 3 साल के बाद दिल्ली में 3.5 साल से सरकार चल रही है। 3.5 साल के बाद पूरे देश को गर्व हो रहा है जिस किस्म का काम दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया है। देश भर में ऐसी कई सरकारें हैं, बीजेपी की सरकारें हैं, 15-15 साल से मध्य प्रदेश में चल रही हैं, 20-25 साल से इनकी सरकार गुजरात में चल रही है, छत्तीसगढ़ में 10 साल से ज्यादा हो गए इनको, कांग्रेस की सरकारें कई कई सालों से चल रही हैं। इनकी सरकारों से 15-15, 20-20, 25-25 साल के बाद भी सरकारी स्कूल ठीक नहीं किए गए इनसे, हमने 3 साल में करके दिखा दिए। इनसे 15-15, 20-20 साल में सरकारी अस्पताल ठीक नहीं किए गए, हमने 3 साल में करके दिखा दिए। इन लोगों से 15-15, 20-20 साल में बिजली नहीं ठीक की गई, इन्होंने जानबूझ के बिजली महंगी करी, हमने 3 साल में पूरे देश में सबसे सस्ती बिजली 24 घंटे करके दिखा दी। इतने काम किए दिल्ली सरकार ने, इतने काम किए आपकी सरकार ने, इतने काम किए आम आदमी पार्टी की सरकार ने, जिसकी देश भर में दुनिया भर में तारीफ हो रही है। दुनिया भर से लोग देखने आ रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक देखने आ रहे हैं, होम डिलीवरी अभी हमने करी है। लंदन का गार्डियन अखबार, उसकी हेडलाइन थी रेवोल्यूशन टेकिंग प्लेस इन दिल्ली, दिल्ली में क्रांति हो रही है।
तो जितने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जितने लोग आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, जो जो लोग अन्ना आंदोलन के दौरान रामलीला मैदान में आए थे, जितने लोगों ने अभी तक खून पसीना बहाया है, जितने लोगों ने अभी तक कुर्बानियां करी हैं, गर्व से कहो कि हम आप ही हैं। गर्व से कहो हम आप ही हैं। वो कहते ना आप ही हैं ये, हाँ जी गर्व है हमें कि हम आप ही हैं। हमें गर्व है कि हम आम आदमी पार्टी में हैं। अगर कोई दूसरी पार्टी वाला मिले तो कॉलर ऊंची कर लिया करो। कोई बीजेपी वाला मिले उनसे पूछा करो, उनसे पूछो तुम्हारी 15 साल से मध्य प्रदेश में सरकार है। कोई बीजेपी वाला मिले उससे पूछा करो तुम्हारी 15 साल से मध्य प्रदेश में सरकार है, तुमसे स्कूल ठीक क्यों नहीं हुए? और फिर कॉलर ऊंची करके कहा करो हमने कर दिए। कोई कांग्रेस वाला मिले उससे पूछा करो 70 साल में कितने साल हो गए इनको राज करते हुए देश में, बोले जी 60-70 साल में, 60 साल इन्हीं का राज था। बोले 60 साल तुमने भारत पे राज करा, तुमसे अस्पताल ठीक नहीं हुए, हमने कर दिए। आज दिल्ली के हर नागरिक का सीना कितने इंच चौड़ा हो रहा है? 60 इंच चौड़ा हो रहा है, 56 इंच नहीं हो रहा, 56 तो उनका होता है। दिल्ली के हर नागरिक का सीना 60 इंच चौड़ा हो रहा है, 60 इंच। वो कोई मिलता है दूसरा तो दिल्ली वाला कहता है हमने स्कूल ठीक कर दिए, हमने अस्पताल ठीक कर दिए। दिल्ली के लोगों को गर्व हो रहा है। भारत के इतिहास में जितनी सरकारें बनी 70 साल में, जितनी पार्टियों की सरकारें बनी आज तक, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं 70 साल में सबसे ईमानदार कट्टर ईमानदार सरकार आम आदमी पार्टी की है पिछले 3.5 साल की। और ये मैं हवा में नहीं कह रहा, ये मैं आप लोगों को खुश करने के लिए नहीं कह रहा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारी चलती हुई सरकार में 3 देश के सबसे बड़े IAS अफसरों की कमिटी बनाई। कौन कौन थे मनीष उसमें? एक थे कृष्णमूर्ति, फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर, एक थे फॉर्मर CAG, एक और थे, तीसरे कौन थे? शुंगलू, कृष्णमूर्ति और गोपाला कृष्णन। 3 देश के सबसे बड़े फॉर्मर CAG, फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर, एक और कुछ फॉर्मर था, 3 लोगों की कमिटी बनाई उन्होंने। बोले दिल्ली सरकार की जांच करो। ये कमिटी दिल्ली सरकार की, हमारी सरकार बनी बनी थी, 1.5 साल हुए थे हमारे, हमारी सारी 400 फाइलें, अभी तक 400 फाइलों में ही निर्णय लिए गए थे, 400 की 400 फाइलें दिल्ली सरकार की उठा के ले गई। 6 महीने तक इन 3 बड़े-बड़े अफसरों ने हमारी 400 फाइलों की जांच करी। कुछ तो मिले केजरीवाल के खिलाफ, कुछ तो मिले मनीष सिसोदिया के खिलाफ, कुछ कुछ नहीं मिला। 400 फाइलें चेक करी हमारी, 400 फाइलें 6 महीने तक कितने बड़े अफसरों ने 400 फाइलें चेक करने के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने क्लीन चिट दे दी हमारी सरकार को। तो हम क्लीन चिट लेके आए हैं। किससे लेके आए हैं? हमारे कट्टर विरोधी से लेके आए हैं। किसी ऐरे गहरे से ने क्लीन चिट नहीं दी, CBI VBI ने नहीं दी हमको क्लीन चिट। किसने दी है? मोदी जी ने स्वयं क्लीन, मोदी जी की कमेटी ने क्लीन चिट दी है हमको। फिर प्रधानमंत्री जी ने कहा केजरीवाल पर रेड कराओ, उन्होंने रेड करी, पूरा दिन मेरे दफ्तर में बैठे रहे, मेरी सारी फाइलें उठा के ले गए।
कुछ नहीं मिला। फिर उन्होंने कहा चलो केजरीवाल को छोड़ो, मनीष को पकड़ो। फिर मनीष के घर पहुंच गए, मनीष क्या रेड कर दी, वहां भी कुछ नहीं मिला। फिर बोले इसको भी छोड़ो, अब सतिंदर जैन को पकड़ो। फिर सतिंदर जैन के रेड कर दी दो बार, सतिंदर जैन के यहां तो दो बार रेड होली, दो बार रेड कर दी, वहां भी कुछ नहीं मिला। अब परसों बेचारे कैलाश गहलोत को पकड़ लिया। अब गोपाल राय जी आपका नंबर आने वाला है, और फिर इमरान हुसैन का। इन्होंने सारा कुछ करके देख लिया, हमारे कितने 20 एमएलए के खिलाफ केस कर रखे हैं, मेरे ऊपर 33 केस कर दिए, इनको कुछ नहीं मिला। तो जो मैं कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी आजाद भारत की सबसे कट्टर ईमानदार पार्टी है, इसका सर्टिफिकेट हमारे देश के प्रधानमंत्री ने दिया है। मैं ये सोच रहा था इन्होंने हमारी 400 फाइलें देखी, ये अपनी 4 फाइल हमको दिखा दे 4 दिन के लिए। एक राफेल डील की दिखा दे, 4 दिन के लिए 4 फाइल दिखा दे, इनको जिंदगी भर जेल ना भेज दे, तुम बचेंगे नहीं है। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश का आदमी यह नहीं कह सकता मेरी सरकार ईमानदार है, राजस्थान का आदमी यह नहीं कह सकता मेरा मुख्यमंत्री ईमानदार है, दिल्ली का आदमी सीना चौड़ा करके कहता है मेरा मुख्यमंत्री ईमानदार है। दिल्ली का आम आदमी, दिल्ली का रिक्शे वाला, दिल्ली का ऑटो वाला, दिल्ली का मजदूर, दिल्ली का व्यापारी, दिल्ली का आम आदमी फक्र से कहता है मेरी सरकार ईमानदार है। यह बड़ी बात है। मैं पूछना चाहता हूं, आज तक आजाद भारत के इतिहास में ऐसी कौन सी सरकार थी जिसके टाइम में आम आदमी ने खड़े होकर कहा कि मेरी सरकार ईमानदार है? लाल बहादुर शास्त्री थे बस, उसके अलावा कोई नहीं मेरे को नजर आता। अभी ये दिल्ली तो चला लेने दे यार। हमने पिछले 3.5 साल में 4 बजट पेश किए, इनमें मोटे मोटे तौर पे 2,00,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं दिल्ली में, 2,00,000 करोड़ रुपए। अगर मैं हर ठेकेदार को यह कह देता कि भाई 1%, ये लोग तो 10% लेते हैं, मैं ये कह देता भाई 1% पार्टी फंड में जमा कराना है, तो सारे जने कहते बड़ा ईमानदार आदमी है, 1% को तो ये कुछ मानते नहीं और पार्टी फंड में अपने लिए नहीं ले रहा। मैं अगर ये कह देता 1% पार्टी फंड में जमा कराना है, तो आप सोच लो 2,000 करोड़ रुपए मेरे पास इकट्ठे हो गए होते, आपके पास, पार्टी के पास 2,000 करोड़ हो जाएगा। लेकिन अगर मैं ऐसा करता तो फिर आपकी बिजली सस्ती नहीं होती, फिर आपके स्कूल नहीं बनते, फिर आपके अस्पताल नहीं बनते, फिर आपके मोहल्ला क्लिनिक नहीं बनते, फिर आपकी सड़कें नहीं बनती, आपके फ्लाईओवर नहीं बनते। इसलिए ये आम आदमी पार्टी अगर 3 साल से दिल्ली में बिजली के रेट नहीं बढ़ने दिए, हमारे पहले हर साल बिजली के रेट बढ़ा करते थे, हमने उल्टा बिजली के रेट आधे कर दिए। अगर मैं 3 साल तो बहुत होते हैं, अगर मैं 50 पैसे यूनिट बिजली के रेट बढ़ा देता, 50 पैसे यूनिट तो कुछ भी नहीं होता, जनता को फर्क भी नहीं पड़ता, और मैं कह देता जी बड़ी महंगाई हो गई है, 3 साल से बढ़े नहीं है, 10 बहाने थे, तो हमारे यहां सतिंदर जैन ज्यादा कह लो 50 पैसे बढ़ा देते, ये बिजली कंपनियां शाम तक मेरे को 100 करोड़ रुपए दे जाती। देती कि नहीं देती? पार्टी फंड में जमा करा देते 100 करोड़, अपने को ये मीटिंग वीटिंग बुलाने की जरूरत ही नहीं थी, काहे को बुलाते हैं। तो अभी तक यही चलता आया है, जितनी कांग्रेस बीजेपी की सरकारें ले लो, सरकारें कंगाल, पार्टी मालामाल।
आप देख लो बीजेपी का हर साल जब से इनकी सरकार बनी है केंद्र में, केंद्र सरकार घाटे में चल रही है, डॉलर तेज होता जा रहा है, पेट्रोल के दाम बढ़ाते जा रहे हैं, कह रहे हैं सरकार घाटे में चल रही है, जीएसटी बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी मालामाल होती जा रही है, बीजेपी मालामाल होती जा रही है। और उसके पहले कांग्रेस मालामाल होया करती थी। पहली बार भारत के इतिहास में मैं कई बार किसी से चंदा मांगता हूं ना, कहते सर अब आपको चंदे की क्या जरूरत है, आपकी तो सरकार है। लोगों को यकीन ही नहीं होता यार, इनके सरकार होते हुए भी इनके पास पैसे नहीं है। पहली बार भारत के इतिहास में हो रहा है कि सरकार मालामाल, पार्टी कंगाल, क्योंकि आप लोगों के चंदे से चलती है। आज हम इतनी ईमानदारी के साथ काम केवल एक कारण की वजह से कर पा रहे हैं, क्योंकि यह पार्टी जनता के चंदे से चलती है, भ्रष्ट अरबपतियों के चंदे से नहीं चलती, भ्रष्ट लोगों के चंदे से नहीं चलती, आम आदमी के चंदे से, आपके चंदे से चलती है। दोस्तों अब आने वाले 2 साल में खूब सारे चुनाव हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, पार्टी के पास भी पैसा नहीं है, हम लोगों के पास भी पैसा नहीं है। अब चुनाव लड़ने के लिए पैसा चाहिए, तो जितने भी वॉलंटियर्स हैं, सभी वॉलंटियर्स की का ये धर्म है, सबको चंदा देना पड़ेगा। जो गरीब है 100 रुपया दे, 100 रुपये महीने तो दे ही सकते हैं, सब लोग दे सकते हैं, ये नहीं दे सकते। जो गरीब है 100 रुपये महीना दे दे, जिसके पास थोड़ा ज्यादा 1,000 दे दे, जिसके पास और ज्यादा 10,000 दे दे, जिसके पास और ज्यादा 1,00,000 रुपये महीना दे दे, जिसकी जितनी श्रद्धा उतने हिसाब से दे दे, लेकिन पैसा सबको देना है जो भी कमाता है। दूसरा, आपके परिवार में जो जो कमाते हैं उनको भी देना पड़ेगा। दोगे? आज मेरा पूरा परिवार आया है, मैं साथ लाया हूं, आज ये सारे चंदा दे के जाएंगे। तीसरी बात, जितने 3 साल में दिल्ली के सरकारी स्कूल ठीक करे कि नहीं करे, जितने दिल्ली के लोगों को लगता है कि हमारे बच्चों की शिक्षा अच्छी करी है मनीष सिसोदिया ने, मेरी सबसे अपील है 100 रुपये महीने का चंदा दो, ताकि हम इसी ईमानदारी के साथ काम करते रहें। जितने लोगों को, कई प्राइवेट स्कूल थे जिनके प्राइवेट स्कूलों की 3 साल से फीस नहीं बढ़ने दी हमने, कई प्राइवेट स्कूल ऐसे हैं जिनकी ऑर्डर करके पैसे वापस करवाए हैं, उन सारे पेरेंट्स से मेरी अपील है आम आदमी पार्टी को चंदा दो, चाहे 100 रुपये महीना चंदा दो। जितने लोगों के दिल्ली में बिजली के बिल कम हुए हैं, कई लोगों के तो 5-5, 10-10 हजार रुपए महीना कम करा दिए हमने, उन सब लोगों से मेरी अपील है आम आदमी पार्टी को चंदा दो, चाहे 100 रुपये महीना चंदा दो, ताकि हम इसी ईमानदारी के साथ काम करते रहें। जितने लोगों के मोहल्ला क्लिनिक में इलाज हुए हैं, जितने लोगों के अस्पतालों में इलाज हुए हैं, उन सब लोगों से मेरे को कई लोग मिलते हैं, जी मेरा 3.5 लाख रुपए का ऑपरेशन था, पूरा फ्री हो गया। ऐसे सब लोगों से अपील है कि आम आदमी पार्टी को चंदा दो, ताकि हम इसी ईमानदारी के साथ काम करते रहें। और जितने लोगों को कोई भी फायदा नहीं हुआ, लेकिन उनको लगता है कि यार ये लड़के ईमानदार तो हैं, ये देश के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे सारे लोग आम आदमी पार्टी को चंदा दो। कुछ लोगों के लिए हिंदू और मुसलमानों में लड़ाई कराना राष्ट्र निर्माण है, हमारे लिए स्कूल बनवाना राष्ट्र निर्माण है, हमारे लिए अस्पताल बनवाना राष्ट्र निर्माण है, हमारे लिए घर घर बिजली पहुंचाना राष्ट्र निर्माण का काम है, हमारे लिए सीवर बनाना राष्ट्र निर्माण का काम है,
हमारे लिए शिक्षा देना राष्ट्र निर्माण का काम है। इसीलिए जो चंदा आप दे रहे हो वो केजरीवाल पे एहसान नहीं कर रहे, वो आम आदमी पार्टी पे एहसान नहीं कर रहे। आप सब लोग अपने अपने बच्चों के भविष्य के लिए चंदा दे रहे हो, आप सब लोग राष्ट्र के निर्माण के लिए चंदा दे रहे हो। इसीलिए इस स्कीम का नाम रखा गया है आपका दान राष्ट्र का निर्माण। जो चंदा आप दोगे उस चंदे के बाद भी फक्र से कहना मैंने राष्ट्र निर्माण के लिए 100 रुपए महीना देना शुरू कर दिया। गर्व होना चाहिए आप लोगों को यह चंदा देके कि मैं भी अब राष्ट्र निर्माण के अंदर भागीदार बन रहा हूं। दोस्तों नंबर तो आप सब लोगों के पास है, मैं थोड़ा सी दो मिनट थोड़ी सी प्रक्रिया सबको समझा देता हूं। यह नंबर आज जारी किया जा रहा है 9871010101। जितने लोग इस पे अब पूरे देश में इस नंबर का प्रचार किया जाएगा, जितने लोग इस नंबर पे मिस कॉल मारेंगे, हमने एक कॉल सेंटर हायर किया है, वहां से उनको फोन जाएगा, उनसे पूछा जाएगा कि आप कैसे चंदा देना चाहते हो। और फिर जैसे होम डिलीवरी दिल्ली में शुरू की है, ऐसे ही कोई एक कंपनी को हमने हायर किया, वो उनके घर जाके उनसे फॉर्म भरवा के लेके आएगी और उस फॉर्म को बैंक में जमा कर दिया जाएगा। तो मेरी आप लोगों से निवेदन है कि आप अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस नंबर पे मिस कॉल करने को कहें, लेकिन ऐसा कोई कहे जो कुछ देता हो, ऐसे ही फर्जी मिस कॉल कर दी वो कंपनी के पैसे और लग जाएंगे हमारे। फर्जी मिस कॉल मत कराना, कॉल पे कुछ चंदा देना, मिनिमम 100 रुपए महीना। लेकिन अगर कोई कैश देना चाहे तो सरकार कहती है 2000 रुपए से कम का कैश ले सकते हैं, मिनिमम 500 रुपए कैश एक बारी में वो दे सकते हैं। दोस्तों अब हम अभी सब लोग बैठे रहना, मेरे भाषण के बाद सब लोग भाग जाते हैं, अभी बैठे रहना। सारे फॉर्म आप लोगों को मिला है, ये फॉर्म सारे जने भर के जाएंगे। इसमें दो चीजें, एक तो आपको लिखना है कि आप कितने पैसे पर मंथ देंगे। अगले हफ्ते, इस हफ्ते हमें लगता है मिस कॉल ज्यादा आएंगी, तो आपको अगले हफ्ते आपके घर हम किसी को भेजेंगे, वो आपसे बैंक का फॉर्म भरवा लेंगे और बैंक का फॉर्म भरवा के ले आएंगे। और उसके पीछे आपने 5 लोगों के नाम लिखने हैं जिनसे आप चंदा दिलवाएंगे, उनसे भी फिर फोन करके हम पूछ लेंगे, अगले 2-3 दिन में उनको समझा लेना, बता देना। और मेरी उम्मीद है, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है, लेकिन फिर भी मैं 10000 रुपये महीना, मेरे वाइफ आई हैं वो 5000 रुपये महीना, मेरी बेटी की अभी नई नई नौकरी लगी है वो 5000 रुपये महीना, और मेरे पिताजी 500 रुपये महीना चंदा दे रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ, आज मैं देख रहा हूँ कई अमीर आदमी बैठे हैं तो वो इससे ज़्यादा ही देके जाएंगे। बहुत बहुत शुभ, मैं अभी बैठ के सारे, मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी कार्ड ऊपर करिए, जिनके पास कार्ड है सारे लोग ऊपर करिए, और जिनके पास कार्ड नहीं है वो जरा अब ये नीचे कर लो, जिनके पास कार्ड नहीं है हाथ ऊपर कर दो, नीचे कर लीजिए, जिन जिनके पास कार्ड नहीं है कार्ड पहुंचा दो भाई सबके पास, कौन बांट रहा है कार्ड, आप लोग ऊपर आ जाओ। कार्ड के साथ पेन भी मिली है आप लोगों को, तो इत्मीनान से ये सुशील जी ने अच्छा वो कहा, आप पीछे जो 5 लोगों के नाम लिखोगे कभी भूल ना जाओ, उसकी फोटो ले लेना साथ में, कभी यहां लिख के चले जाओ और फिर भूल जाओ। एक अभी सोमनाथ भारती जी ने एक कबीर जी का दोहा भेजा है, मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, परमारथ के कारण मोहे न आवे लाज। अपने लिए भगवान ना करे अपने लिए कभी जिंदगी में पैसा मांगना पड़े, लेकिन दूसरों के भले के लिए पैसे मांगने में मुझे कोई शर्म नहीं आनी चाहिए।